20 को मत बैठो उसमें, कितना सब बैठी जा रही है, निकालो लड़की लोग को, सबको निकालो उसमें से, ज्यादा लोग को मत बैठाने दीजिए, साहब ज्यादा लोग को मत बैठने दीजिए, हाँ ज्यादा लोग को मत बैठने दीजिए, रुकिए एक मिनट रुकिए, हाँ हाँ बोलना बोलना बोलो, ठीक है लेवल इनसे डाउन नहीं हो गया, देखिए दोस्तों आपने देखा ये हमारे यहाँ की बच्ची है एक, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से, आज सुबह से 3-4 बच्चियाँ बेहोश हो चुकी हैं, लेकिन इस ये बच्ची जो है ये प्रियदर्शनी इसका नाम है, इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, ये देखिए बेहोश है अभी, इसको होश नहीं आया है, हम लोग इसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं, हमने फटाफट एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस पहुंच गया टाइम से, और सर लोग हैं, ये देखिए सर खड़े हैं, बच्ची खड़ी है उसके साथ आई है, और मैं हूँ इधर, मैं भी आई हूँ साथ में, इसको लेके हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, डॉक्टर्स ने देखा है और इसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, इसका नस नहीं मिल रहा था जिसमें वो लगाया जाता है ड्रिप जो लगाया जाता है, तो सर ने हेल्प किया है वहाँ वार्ड बॉय को के साथ मिलके, तो ड्रिप लगाया गया है, वो मतलब हिल डुल नहीं रही है, आँख भी नहीं खोल रही है, रास्ते भर हम लोगों ने इसके मुंह में सर ने अपने हाथ को लगाया था, अंगूठा लगा कर रखा था, कभी कुछ उसके मुंह मतलब दांत लग जा रहा है उसका, बार बार होश नहीं आ रहा है इसको, हम लोग बहुत घबराए हुए हैं थे कि क्या हो रहा है इसे, बहुत डर है सब बच्चों में टीचर्स में, और इसको हम लोग यहाँ डॉक्टर्स को बार बार बोल रहे हैं कि देखिए आखिर क्या बात है जो इसको होश नहीं आ रहा है, इसके पिताजी हैं और इसकी माँ भी आई हैं, इनको फ़ोन किया गया है तो इनके मम्मी और पापा दोनों आ गए हैं, और एक दो लड़कियाँ साथ में आई हैं जिसको लेके हम लोग आए हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि और ठीक हो जाएगी, इसको अभी होश में आएगा, थोड़ा नॉर्मल ये हो जाती है तो फिर इसको, अब डॉक्टर ने देख के बताया कि अब इनको रेफ़र करना पड़ेगा जो यहाँ का सदर हॉस्पिटल है, देखिए ये दांत भी लगा हुआ है, अभी भी होश नहीं आ रहा है इसको, इसको बार बार गाल थपथपा के उठाया जा रहा है कि उठ जाए, लेकिन ये उसको इसकी आँख खुल ही नहीं रही है एकदम, हम लोग बहुत चिंतित हो रहे हैं कि क्या होगा इस बच्ची का, डर बहुत है, सब सर लोग खड़े हैं, 3-4 सर लोग भी आए थे साथ में, मैं भी जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहीं की बच्ची है ये, एक सुबह प्रार्थना के टाइम में बेहोश हो गई थी, चक्कर आ गया था तो उसको ठीक करके फिर हम लोगों ने उसको घर भेजा है, और ये यहाँ आई है, तब तक अभी पता चला है कि स्कूल में एक दो लड़की और बेहोश हुई है, एक्चुअली बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी में स्कूल खुला पड़ा हुआ है, सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक स्कूल चल रहा है हम लोगों का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है, बच्चे भी डर रहे हैं कि आखिर क्या है, माँ तो उसकी नहीं रो रही है लेकिन बच्चियाँ, इसकी बड़ी बहन है वो रो रही है, देखिए सर सामने खड़े हैं, उसके पापा खड़े हैं पिंक शर्ट में, ये इसकी माँ है और बहन है इसकी, वो भी रो रही थी, तो डॉक्टर ने और जो वार्ड बॉय है उन लोगों ने सांत्वना दी है, सांत्वना देके उसको खड़ा किया है, अभी आए हैं इन्होंने ब्लड शुगर उसका चेक किया है, ब्लड लेके कि शुगर लेवल कहीं हाई तो नहीं है जिसकी वजह से कोई दिक्कत है इसको, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको क्या परेशानी है, यहाँ इन लोगों ने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी उन्होंने किया है, इसके बाद इन्होंने इस बच्ची को ऑक्सीजन भी लगाया है जिससे इसकी सांस जो है एकदम खूब तेज
चलने लगी थी, जिसको देख के मुझे भी घबराहट होने लगी। देखिए इसको लगाया जाएगा, इसकी माँ इसको उठा रही है, थपथपा रही है, आवाज़ दे रही है प्रिया उठो। मैंने भी कोशिश की इसको थपथपा दो, कान के पास भी जाकर मैंने आवाज़ दिया, प्रिया प्रिया उठ जाओ प्रिया, लेकिन वो थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत डर लग रहा था। देखिए ये अब ऑक्सीजन लगाया जा रहा है उसको, ये लेके आए हैं, किसी ने सजेस्ट किया कि इसको, सांस तो आ रही थी, सांस आ रही थी, देखिए थपथप आ रही है, उसकी मम्मी उसको उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये हम लोग, हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं सिर्फ इसी स्कूल की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे स्कूल से न्यूज़पेपर में बहुत आया है कि बहुत जगह से स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे हैं, टीचर्स बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से, लू लग जा रहा है बच्चों को। अब सुबह 6 बजे का स्कूल और उसके बाद टाइम से पहुँचना, बच्चे बिना खाए पिए भी भागे आ रहे हैं। हालाँकि इसकी मम्मी से मैंने पूछा कि ये सुबह कुछ खाई थी कि नहीं खाई थी, तो इसकी मम्मी ने बताया कि खाना तो नहीं खाई थी लेकिन सत्तू घोल के दिया गया था, तो सत्तू पिया है इसने। देखिए प्रिया, प्रिया बहुत ही दहशत हो रहा था देख के, बच्ची कोई रिस्पांस नहीं कर रही है। ये देखिए ये 3-4 बच्चे दौड़े भागे चले आए थे स्कूल से साथ में कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब एम्बुलेंस में ही बैठ के आए हैं, सर लोग गाड़ी से आए पीछे से बाइक से। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद इसको होश आ जाए, लेकिन इसको होश नहीं आ नहीं रहा है, और होश नहीं आने की वजह से बहुत डर लग रहा था। वो अंदर से बार बार डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको लेके जाना पड़ेगा जिला के हॉस्पिटल में, अपनी तरफ से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, माँ बेचारी के चैन है, उनके समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। और आगे बढ़िया, हम स्तब्ध हैं कि मेरी बच्ची को क्या हो गया। हालांकि इन्होंने बताया, मैंने पूछा था कि कब पहले भी कभी कुछ हुआ है, तो पहले तो इन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन कह रही थी कि एक बार और पहले हल्का बेहोश हुई थी, लेकिन इतनी स्थिति गड़बड़ नहीं हुई थी उसकी। और अब इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो या नस का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ यहाँ पता चल नहीं रहा है। बड़े हॉस्पिटल में अगर ले जाया जाए, वहाँ डॉक्टर कायदे से सब चेकअप करें तो शायद पता चले। अभी ये डॉक्टर बैठी हैं, उनको बुलाया है मैंने आके, वो देखे तो पता चले कि क्या बात है। अभी ये आई हैं, देखिए अपने हिसाब से। एक और डॉक्टर आए थे, ये भी डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, इन्होंने भी ने चेक किया है। इतना टाइम लग रहा है लेकिन उस बच्ची में कोई मूवमेंट नहीं है। बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। छोटा हॉस्पिटल है यहाँ पे, यहाँ पे सारे साधन उपलब्ध नहीं है, बस यहाँ एक यही साधन है ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन भी देखा है यहाँ पे रखा हुआ है। ड्रिप चेक कर रहे हैं आके बार बार कि सही ड्रिप लगा है कि नहीं लगा है। देखिए बेसुध पड़ी है बच्ची,
अब इसको ऑक्सीजन लगाया गया है, तो देखिए कैसे उसकी धड़कन, सांस कितनी तेज हो रही है। देखिए घबराहट हो रही थी इन लोगों को। देखिए कैसे ऊपर नीचे सांस हो रहा है, इतना तेज चल रहा है। ये देख के तो वहाँ जो लोग थे सब घबरा गए, क्या कि इस बच्ची को हो क्या रहा है। इसके मॉनिटर पे देख रही हूँ मैं, गतिविधियाँ सब चल रही है आपके आँखों के सामने। ये देखिए, ये देखिए कितना तेज उसका बॉडी हिल रहा है। मुंह खुली है अभी, अब इसको जो रेफर किया गया है तो फिर से वो स्कूल में है। गर्मी तो है ही, हाँ गर्मी से बढ़ने वालों से भी कोई बीमारी लग रहा है। जिला के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और ये लोग लेके गए हैं वहाँ जिला के हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये वीडियो जब बना था उस समय तक तो हम लोगों को नहीं पता था कि इसकी क्या स्थिति है, लेकिन जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तब हम लोगों को खबर मिल गई थी कि बच्ची ठीक है, होश में आ गई है और अपने घर ये आ गई है। तो बहुत खुशी की बात है कि वो स्वस्थ है बच्ची अभी। धन्यवाद।